गवर्नमेंट जॉब ली टीजीटी या पीजीटी ली एलिजिबिलिटी बनाने वाले जेडे कैंडिडेट ने उन्होंने कोई एडिशनल पेपर देना पै रहा है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ना रिलेटेड जेड़ा वीडियो पाया सी उस दे रिगार्डिंग बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि जे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विच असी बीए दा एडिशनल बीएड करदे दौरान कर रहे हाँ फॉर एग्जाम्पल हुने तुसी बीएड विच एडमिशन हुई है ये डेट आ चुकी है ते दे बीए दे एडिशनल दे इंग्लिश दे तुसी एग्जाम फिल कर दिते ने और दिसंबर विच ए मान लो एग्जाम होना है दिसंबर जनवरी विच एग्जाम होने ने और दोनों की डेट शीट आ जाती है इधर डेट शीट किस दी आती है बीए दे सैम वन दिसंबर विच जिहड़े होने हन सैम वन दे इंग्लिश सैम थ्री दा इंग्लिश दा पेपर और सैम फिफ्थ दा इंग्लिश दा पेपर ए जे ए बी हुंदे हन मान लो छे पेपर हो गए और उस तरफ बी एड दे सैम वन दी डेट शीट आ चुकी है सो ये संभावना है कि इधरों कोई पेपर जो बी एड दा है फॉर एग्जाम्पल मैं इत्थे पेपर लिखा है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर है ना ये बी एड दे पेपर दा नाम है चलो कोई भी नाम होवे ये एक पेपर है मान लो ये पेपर 23/12 नूं आ गया और इधर इंग्लिश दा फर्स्ट सैम दा बी ए दा पेपर 23/12 नूं आ गया इसनूं कलैश दी सिचुएशन कहिंदे हन अजिही सिचुएशन विच की करना चाहिए है यह क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी फोन करके जो अथॉरिटी ने कहा है विकास सर दा फिर मैं विशाल सर दा थैंक्स करदा हाँ उन्हां दा कहना है कि बी ए दा जे कोई पेपर तुसी छड्डदे हो जां इस पेपर दे विचो एक पेपर दे विचो तुसी फेल हो जांदे हो जे जां तां फेल एक पेपर चो हो जाते हो जां तुसी एबसेंट हो जाते हो इन्हां दोनों ही हालतों विच तुहानू छे दे छे जां सारे दे सारे पेपर दोबारा देने पैणगे तुहाडा रिजल्ट फेल ही आएगा इट मीनस कि बी ए दे जिन्ने भी पेपर होने हन उन्हां च तुसी एबसेंट नहीं हो सकते तो डिसीजन की लिया जाए शायद पिछली वीडियो विच मैं ये कह दिता सी कि बी एड का पेपर तुसी छड्डना नहीं है बी ए का छड्डना है लेकिन मेरा ये कहना बिल्कुल गलत सी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी तो जो मैं पूछा है उन्होंने इस गाइड किया है कि बी एड का पेपर तुसी छड्ड दिओ मतलब इधरों तुसी एबसेंट हो गए इधर एबसेंट नहीं हुए इधर तुसी प्रेजेंट हो गए और प्रेजेंट हो के ये जड़े पेपर पूरे कर ले इन्हां दा तुहाडा रिजल्ट पूरा बन गया ये जो एबसेंट हुए है ये रीअपीयर आएगी रीअपीयर या सप्ली आएगी ये जो सैम वन दी सी ये तुसी बी एड हजे कर रहे हो सैम थर्ड विच बी एड दे ही सैम थर्ड विच यानी एक साल बाद तुसी वो रीपीयर दे भर के बी एड दे नाल ही दे सकते हो और बी एड पूरी करन तो पहला तुहाडा रिजल्ट आ जाएगा हाँ जे लास्ट सैम दे भी सैकेंड ते इस तरह जे सैम सैकेंड दा कलैश हुंदा है इधर सैम फोर्थ दा हुंदा है ते सैम फोर्थ दे जो सॉरी सैम टू दे जो तुसी देने हन पेपर तो उधर सैम फोर दे नाल इधर तुसी सैम टू दे मान लो दे रहे हो दूजी एग्जाम्पल लैके चलते हाँ इधर सैम टू दे रहे हो सैम टू दा उधर बी ए टू बी ए इधर आ गया बी ए टू बी ए फोर और बी ए सिक्स्थ सैम इन्हां दा कलैश इहदे नाल मान लो हो गया है तो उही गल होएगी कि तुसी सैम फोर विच बी एड दे सैम फोर विच यानी एक साल बाद वो तुसी एग्जामीनेशन फिर भर देंदे हो जिहड़े बी एड दा तुसी छड्डिया सी लेकिन ए वाले जो दूजा चौथा ते छेवां है इस विच प्रेजेंट होके पेपर दे दिते ने इस तरह ये तुहाडा इंग्लिश दा कंप्लीट हो गया एडिशनल दा पेपर इधरों जिहड़ी रीअपीयर आई है वो तुसी नैक्सट ईयर बी एड दे दौरान ही फिल करके उसनू कंप्लीट कर लोगे सो इस तरह मैनू गाइड किया गया है टेंशन नहीं लैनी मैनेज करना है सो एक चैलेंज है यह भी पूछा जाता है कि की नाल नाल बी एड दे करनी जरूरी है जिस तरह मैं दस रहा हाँ मोस्टली नहीं करते रहे क्योंकि अज तक अवेयर ही नहीं स्टूडेंट रहे बी एड करन तो बाद अवेयर होंगे ने आंसर उन्होंने यह है कि तुहाडे जिहड़े साथी ने जिन्हां नूं गाइड करना है उन्होंने ये कहो कि जे बी एड करनी है तो पहला ही जे बी ए दी एलिजिबिलिटी सोशल साइंस दी जा किसी भी सब्जेक्ट दी करनी है वो पहला पूरी कर लन यही जो एडिशनल पेपर बी ए दा देना है ग्रेजुएशन दा देना है वो बी एड करन तो पहला भी दिता जा सकता है बी एड करन दे दौरान ए वाला चैलेंज होएगा बी एड करन दे बाद ए चैलेंज नहीं होएगा बी एड करन दे बाद ए होएगा कि गवर्नमेंट पोस्ट जे निकलती है तो तुसी हजे एलिजिबिलिटी बना रहे होवोगे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਸ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਲਈ
ये गाइडलाइन मैं दे रहा हाँ, वो गाइडलाइन अपने को जो यूनिवर्सिटी प्रोविजन है वो अकॉर्डिंगली दसदा हाँ। थैंक यू।